आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूज रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। फ्यूज रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जहां पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक रिंग फ्यूज नजर आती है। हमारे कोर्स में इंडोल क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन है जिसकी स्टडी हमें करनी है। आइए बात करते हैं इंडोल की। यहाँ हमने इंडोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पायरोल रिंग बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज नजर आ रही है। इंडोल को कोल टार जैस्मिन फ्लावर ऑरेंज ब्लॉसम से ऑब्टेन किया जाता है। ये यहाँ पर पाया जाता है इन नेचुरल रिसोर्सेज में। वहीं ये इम्पॉर्टेंट पेरेंट कंस्टिट्यूएंट है इंडिगो टिन डाई का जो कि हमें अपनी अगली यूनिट में स्टडी करनी है। आइए बात करते हैं प्रिपरेशन की। पहला मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फिनाइल हाइड्राजोन जो कि सूटेबल एल्डिहाइड कीटोन और कीटोनिक एसिड से ऑप्टेन किया जाता है हीट करने पर पॉलीफॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में साइक्लाइज प्रोडक्ट देता है जो कि इंडोल का सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। और यहाँ हमने एग्जाम्पल भी मैंशन किया है जिसमें एसीटोन का हाइड्राजोन एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करने पर हमें 2-methyl-1 इंडोल डेरिवेटिव दे रहा है साइक्लाइजेशन के बाद। आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म हमें स्टडी करना है। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर ये हाइड्रोजोन डेरिवेटिव टोटोमराइज करके हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट देता है और ये फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोटोनेशन के बाद हमें सेकेंड इंटरमीडिएट देता है। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि प्रोटोन के साथ कंबाइन होकर हमें ये चार्ज स्पीसीज देता है जो हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट है। अगले स्टेप में ये सेकेंड इंटरमीडिएट इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करता है और NH2 पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट करता है और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है ब्रेक करके रिंग की तरफ शिफ्ट करता है और ये जो डबल बॉन्ड है रिंग का ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करता है और ये स्टेप कंसेंट्रिक मैनर में जाता है साइक्लिक मैनर में जाता है और एक ही स्टेप में ये कंप्लीट होता है और हमें थर्ड इंटरमीडिएट देता है। यहाँ अगर आप थर्ड इंटरमीडिएट को गौर से देखें तो ये प्रोटोन की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है रीअरोमेटाइजेशन करता है बॉन्ड ब्रेक होकर रिंग की तरफ शिफ्ट कर जाता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करता है नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है नाइट्रोजन के ऊपर और ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन यहाँ से प्रोटोन के साथ कंबाइन होकर हमें फोर्थ इंटरमीडिएट देता है। अब इस फोर्थ इंटरमीडिएट को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर लोन पेयर है और यहाँ इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि ये NH2 पॉजिटिव से अटैच है वाया डबल बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर NH2 के ऊपर शिफ्ट करता है और हमें ये एक साइक्लाइज डेरिवेटिव मिल जाता है जो कि 2-amino-2-methyl डाईहाइड्रो इंडोल डेरिवेटिव। यहाँ एडजेसेंट कार्बन के ऊपर NH2 और हाइड्रोजन लगा है ये यहाँ से अमोनिया को रिलीज करते हैं रीअरोमेटाइजेशन करते हैं और हमें 2-methyl-1 इंडोल डेरिवेटिव मिल जाता है। ये मैकेनिज्म था फिशर इंडोल सिंथेसिस का। आइए बात करते हैं दूसरे मेथड की जो कि मेडलंग सिंथेसिस है इंडोल की। यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक डिहाइड्रेशन हो रहा है एल्काइल अमीडोटोलिन का स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में और हमें साइक्लाइज प्रोडक्ट मिला है 2-alkyl इंडोल डेरिवेटिव। यहाँ हमने जो बेस इस्तेमाल किया है वो है सोडामाइड। सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये NH2 एनायन को रिलीज करता है। ये NH2 एनायन यहाँ CH3 ग्रुप से प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करता है और हमें अमोनिया देता है जो कि हमने एरो से शो किया है और साथ में हमें मिलता है ये एनायन। ये एनायन इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर जो कि कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ब्रेक होकर इस
हाइड्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, प्रोटॉन को यहां से एक्सट्रैक्ट करता है, NH2 नेगेटिव जो कि हमने कैटेलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया था यहां रीजनरेट हो जाता है और हमें 2-alkyl-2-hydroxy-dihydroindole डेरिवेटिव मिल जाता है। अगर यहाँ गौर से देखें इस स्ट्रक्चर के ऊपर तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन है जो डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद वाटर को रिलीज करते हैं और हमें अपना फाइनल इंटरमीडिएट मिल जाता है जो कि है 2-alkyl-1-H-indol डेरिवेटिव। तो ये बात थी इंडोल के सिंथेसिस की। यहाँ हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस किए, दो मेथड डिस्कस किए जो कि हमारे कोर्स में है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन।